हेलो ए, सुना है तूने मिनिस्टर की स्ट्रिंग ऑपरेशन करके उनकी रासलीला का वीडियो बनाया है और तू उसे चैनल पर टेलीकास्ट करना चाहता है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ए, तूने मुझे क्या पानी का बुलबुला समझा है जो तू दूर बैठ के मुझे धमकाएगा और मैं डर जाऊंगा? तेरे जैसे ढक्कन का मक्खन बनाना अच्छी तरह जानता हूँ मैं। ए, अगर तूने मुझे दोबारा फोन किया तो तू जहाँ भी है, जो भी है, जैसा भी है, तेरे घर के अंदर घुस के इतना मारूंगा कि टकला हो जाएगा। फोन रख लोफर। माय डियर कलीग्स, मैं तुम सबको हैप्पी न्यूज देना चाहता हूँ। सर, आप रिजाइन करने वाले हैं क्या? मैं और रिजाइन? इस उम्र में भी मैं जमीन में मुक्का मार के पानी निकाल सकता हूँ। ओह, अगर पसीना आए तो उसी पानी से नहा भी लेना। वो सर छोड़िए सर, गुड न्यूज क्या है ये बताइए। डोंट कॉल मी सर, कॉल मी मनमथा। ओके, क्या बात है, बोलिए मनमथा। ए, चुप कर, तू एक ऑफिस बॉय है और ये न्यूज है मेरे स्टाफ के लिए, तो चुप रह, चोंच बंद रख। ओके, तो मुद्दे पर आता हूँ। हमारे स्टेट में हमारे चैनल को लेकर टोटल 27 टीवी चैनल्स हैं। पिछले साल की टीआरपी रेटिंग देखी तो हमारा चैनल 27वें स्थान पर ही बना रहा। लेकिन तुम सबके प्रोत्साहन के साथ, दिन रात मेहनत करके, आंखों में सुरमा डाल के मेहनत करके इस टीवी चैनल को इस साल मैं ले आया हूँ, देखिए कहाँ, पूरे 26वें स्थान पर। थैंक यू ऑल। लेकिन जानते हो मेरा टारगेट क्या है? हमारे चैनल को नंबर 1 पर लेकर जाना। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? संक्रांति, शिवरात्रि, राहु काल, केतु काल में छुट्टी किए बिना या फिर ऑफिस में बैठे बैठे सोना छोड़कर पूरी तरह तल्लीन होकर मेरे साथ काम करोगे तो हमारी रैंकिंग 26वें नंबर से पहुंच जाएगी सीधे नंबर 1 पर, क्या समझे? ओके ओके, 1 मिनट, 1 मिनट। ये सारे 4G सिम तो यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन वो 2 3G सिम कहाँ गए? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? हमारे चैनल के सो कॉल्ड सीनियर रिपोर्टर आकाश जी और आउट ऑफ फोकस हाथी में सवार रहने वाले हनुमंत जी कहाँ हैं? जमीन में धस चुके हमारे चैनल की टीआरपी लाने के लिए वो एक स्पेशल कवरेज पर गए हैं। ए, मैं इस चैनल का सीईओ हूँ और जब मेरे पास भी कोई काम नहीं है तो फिर वो दोनों बाहर जाके ऐसा क्या कवरेज कर रहे हैं? हनुमंत, रेडी हो ना? हाँ, रेडी। गो। सिलिकॉन सिटी बैंगलोर में एक हाई फाई पब में कलरफुल लाइफस्टाइल में जीने वाली नई जनरेशन मौज मस्ती के लिए लेट नाइट पार्टी के नाम पर खुलेआम लोगों के सामने अय्याशी कर रही है। ये पब एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता का होने के कारण पुलिस यहाँ पर कोई भी कड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। इस संबंध में एक एक्सक्लूसिव वीडियो स्पाई टीवी के जरिए, कैमरामैन हनुमंत के साथ आकाश, स्पाई टीवी। यार, हाँ, सब लोग हमेशा स्पाई चैनल का मजाक उड़ाते रहते हैं ना, अब देख कैसे टीआरपी राइज होता है। हाँ। नहीं यार, लगता है अपना कैमरा किसी के हाथ लग गया, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अरे घूरना बंद कर, चल। थैंक यू, बाय द वे दिस इज माय BMW कार की ऑन रोड 92 लाख। टुड आई आस्क यू? ए ए, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव 1 tequila प्लीज? 1 shakila प्लीज? अबे इज्जत मत उतार, वो शकीला नहीं टकीला होता है। अबे भले ही ब्रांड जो भी हो, किक तो एक ही होता है ना, टकीला ब्रांड नहीं तो शकीला सही, समझ गया ना?
तुम दोनों मैं बताता हूँ, मैं MNC कंपनी में काम करता हूँ, विप्रो कंपनी में टीम लीडर हूँ, 1,20,000 सैलरी, बाटा एक्स्ट्रा। बाटा क्या? आप भी उसी कंपनी में काम करते हैं क्या? एक्चुअली अरे इस कोल्ड ड्रिंक को छोड़िए, आप तो ड्रिंक हो, अपनी डिटेल्स दीजिए ना। मैंने USA जर्नलिज्म का कोर्स कंप्लीट किया है, सो अभी किसी चैनल में रिपोर्टर के रूप में ज्वाइन करना चाह रही हूँ, यू नो। इस क्लब में काफी सारी इल्लीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, उसी के बारे में पता लगाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, इसलिए मैंने ऐसा गेटअप लिया हुआ है। इल्लीगल एक्टिविटीज। अच्छा वैसे आप क्या काम करते हैं? KBC में रिपोर्टर। वाओ, आप KBC चैनल में काम करते हैं? यस। एक्सक्यूज मी, वन शैंपेन प्लीज। कि आप सच में KBC चैनल में रिपोर्टर हैं, पर आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। आपका कहने का मतलब है कि ये किसी लोकल चैनल में काम करता है और आपसे KBC चैनल कह के अपना इंप्रेशन जमा रहा है ना? नहीं, 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 मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अरे यार, अभी पता चला क्या मेरा रेंज क्या है? अबे उस लड़की को देख, हाई क्लास फैमिली की लगती है। उसका फोन नंबर तो दूर की बात है, अपना नाम तक नहीं बताएगी। माय नेम इज अदिति, 9884745622, दिस इज माय नंबर, सेव इट, बाय। नमस्कार, आज के समाचार के साथ मैं आपके सामने हूँ विजय गोपाल। मुख्य समाचार, कावेरी नदी के लिए भाग, जल्दी भाग। कुरियर सर, प्यासे हो गए हैं। अरे अरे क्या कर रहे हैं, भाग भाग, जल्दी भाग। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। हाँ, अरे क्या, लेफ्ट लेफ्ट, कोई तो जाकर वहाँ कुरियर लो। अरे अपनी न्यूज क्यों देख रहे हो, जाकर खुद ले लो। अरे लेफ्ट लेफ्ट क्या कर रहे, राइट राइट राइट। ये लोग भी ना। सर आकाश, मेरा ही बेटा है वो, यहाँ पे साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। अरे सीधे सीधे चल। हाँ, लेफ्ट, चल रहा हूँ। किसका कुरियर आया है? और किसके लिए? तुम्हारे बेटे के लिए, KBC का इंटरव्यू है। हाँ, मेरा राजा बेटा, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। अरे पैसे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं? ये ले बेटा, जा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर। ठीक है माँ। हाँ ठीक है। ए, इधर लाओ। सुनो, तुम्हारे बेटे का सिर्फ इंटरव्यू लेटर आया है, माहौल ऐसे बना रही हो जैसे कि जॉब मिल गई हो। आपसे भी अच्छा जॉब इससे मिला है, इसलिए आपको जलन हो रही है। पागलों जैसी बात मत करो, इसने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, वो भी 85% के साथ। इतनी मेहनत से जो सर्टिफिकेट मिली है वो बस ऐसे ही दीवार पे लटकी हुई है। इसके बाकी के साथी लोग 60-70 हज़ार से अधिक की सैलरी पा रहे हैं और इसे सिर्फ 10,000 रुपए। सैलरी कितनी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, काम क्या करता हूँ ये इम्पोर्टेंट है। हे, इधर आ, इधर आ। ये सब लोग कौन है पता है? ये है तेरे दादा, एक लक्ष्य नामक मैगजीन के एडिटर थे ये। लक्ष्य तक पहुँचने से पहले समाधि में चले गए। ये मेरे पिताजी, मतलब तुम्हारे दादाजी, आकाशवाणी में 15 सालों तक न्यूज रीडर थे ये। और आकाशवाणी से वैसे ही आसमान में चले गए। मैं यानी तुम्हारा बाप 27 सालों से न्यूज चैनल में न्यूज पढ़ता आ रहा हूँ। किसके लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा भी आगे नहीं बढ़े। जानती हो ना, हा? ये सब कुछ जानती हो ना, ये सब जानकर भी तुम उड़ रही हो। देखो, ये सब कुछ छोड़कर इसे एक अच्छी सी जॉब ढूंढनी चाहिए, आखिर इसकी भलाई के लिए तो ये सब कुछ कह रहा हूँ। तुम तो जरा समझा सकती हो ना इसे। मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ और तुम जरा भी सीरियस नहीं हो, सुननी सी चाहिए तुझे। एक बात याद रखना, ये KBC करते हुए ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ए, कहाँ जा रहे हो? रुको, मेरे जी रुकिए ना, मैं उसे समझाऊंगी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्यों बे, सुबह सुबह पेट भर के डांट खाया क्या? चुपचाप गाड़ी चला। सुनो बेटा, मेरा नाम श्रीनिवास है। जो टेलीविजन में न्यूज पढ़ते हैं विजय गोपाल जी, उनका घर बता सकते हो क्या? हमें नहीं पता। अरे सुनो तो बेटा, बहुत पहले यहाँ आया था मैं, उनका घर यहीं कहीं था, मगर कंफ्यूज हो गया हूँ। उनकी नाक तुम्हारी जैसी है, बिल्कुल शार्प लंबी। यही घर है सर। थैंक यू। वो विजय गोपाल है ना, वो 18 साल की लड़की को भगा कर ले गया। इस एरिया में कहीं भी उनका नाम मत लेना, किसी को पता चला तो यहाँ के लोग आपकी चड्डी उतार कर खंबे से टंगा कर मारेंगे। ऐसा क्या? संभल कर रही है। अरे विजय, 30 साल की औरत होती तो कोई परवाह नहीं थी, 18 साल की लड़की को लेकर भाग गए तुम।
हे भगवान, सही में कलयुग आ गया है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। अरे विजय, वो तुम मेरा ही बेटा है। तुम्हारा बेटा? हाँ, चलो सब बताता हूँ तुम्हें। अरे तुम्हारे बेटे की बात तो मैंने सच ही मान ली थी। चल चल, सब अच्छे से बताता हूँ। और सुनील 7 to 8, इसके इंटरव्यू को कंप्लीट करके एडिट कर दो। ओके ओके। हाय डार्लिंग। हाय अदिति। हेलो हेलो आकाश। हे, बात कर, बात हाँ, कर। बोलो अदिति। आकाश, तुमसे प्राइवेट में मिलना चाहती हूँ, मिलोगी क्या? प्राइवेट में? इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ, सच सच बता। वो सारी रात बात करते करते इतना डेवलप हो गया। हाँ, टेल मी अदिति, इस वक्त तुम कहाँ हो? केबीसी चैनल में हूँ। वाओ, केबीसी चैनल में हो तुम? कितने बड़े बड़े रिपोर्टर्स होंगे ना वहाँ। यू आर सो लकी आकाश। लकी लकी, कहाँ हो तुम? बताऊंगी, पर जब तुम मेरे साथ आओगे तब। ओके ओके ओके, वन सेकंड, होल्ड करो। क्या बोल रही है? मुझे प्राइवेट में पिक करने के लिए बोल रही है। क्या बात है बेटा, तू तो बहुत नसीब वाला है। लड़की सामने से तुझे मिलने का ऑफर दे रही है। हेलो। ओह आकाश, तुमने एड्रेस कौन सा बोला था दीदी? वो कोई छोटा सा टीवी चैनल है, यू नो। तुम सही समय पर आ जाओगे ना? तुम मुझे सिर्फ मेन रोड बता दो, मैं मेन डोर के पास आ जाऊंगा विद इन 5 मिनट्स। अब तुम कहाँ? स्पाई टीवी में हूँ। स्पाई टीवी में? मैं भी उधर ही। स्पाई टीवी में? हाँ। अब तुम कहाँ हो? कहाँ ना, स्पाई टीवी में हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं नहीं, मतलब तुम वहाँ क्या कर रही हो? इस चैनल में एज अ रिपोर्टर ज्वाइन करने के लिए आई। हेलो मैडम। हाँ, क्या काम है, किससे मिलना आपको? लिंगू, चैनल के सीईओ मिस्टर मनमत से मिलना था। अभी आप उनसे नहीं मिल सकती, वो बहुत बिजी है, आप बाद में आना जाओ। हेलो, अदिति मिलने आई है, ऐसा कहो। अदिति तो क्या, ऐश्वर्या भी आएगी, माधुरी भी आएगी, दीपिका भी आएगी, तो भी अभी नहीं मिल सकते, बिना अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिलेगा। लाउड स्पीकर लिंगू, सचमुच डायलॉग में तो ये मास्टर है, भेज दो, भेज दो उसे वापस। इट्स इंपॉर्टेंट प्लीज। अरे इंपॉर्टेंट है तो फिर ओके, अगर सच में इतना इंपॉर्टेंट है तो हमारा एक चीफ रिपोर्टर है, उससे मिलवा देता हूँ, आ जाओ। अरे यार, ये तो उसे मेरे ही चेंबर में भेज रहा है, अब मैं क्या करूं? हे भगवान बचा ले। अब क्या करें? ए हनुमान, अगर वो इस वक्त हमें यहाँ देख लेगी ना, तो अपनी कहानी खत्म। चल जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, आ जाओ जल्दी। Hey, what the hell is going on? Huh? Nothing is going on. अपना जिप बंद कर और काम पे लग, समझा? जिप खोल के काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? करके मैं परेशान हो गई हूँ। ए, नीचे तुम लोग क्या कर रहे हो? चोर पुलिस खेल रहे थे, तुम खेलोगी? इसी लायक हो तुम लोग, चल रहे। चल 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 चल, इस ऑफिस का सारा काम मैं ही संभालता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, चीफ रिपोर्टर कहाँ पर है? चीफ रिपोर्टर तो अपने केबिन में है। फ्री है क्या? वो तो फुल फ्री है, जाकर मिल लो। बाप रे यार, यहाँ रहेंगे तो डेंजर है। चल फर्स्ट एस्केप होते हैं। कहाँ गया? हाय, दिखने में इतने स्मार्ट हो, टाइमिंग्स में बिल्कुल पंक्चुअल हो, जैसे कहा था बिल्कुल 5 मिनट में आ गए। ओके कम, अपने सीईओ से मिलवाती हूँ, चलो। मुझे चलो, मैं जा रहा हूँ। माय डियर कलीग्स, आज तुम लोगों को मैं एक इम्पोर्टेंट पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आज से वो हमारे चैनल में एज अ रिपोर्टर काम करेंगी। वेलकम टू आवर न्यू रिपोर्टर मिस अदिति। थैंक यू। हम यहाँ पर इतने दिन से मक्खी मार रहे हैं, अभी यहाँ पर मच्छर मारेगी। एक और सरप्राइज है, अदिति कोई और नहीं है, मेरे बड़े भाई की बेटी है। ओह नो, हट जाना वहाँ से। थैंक यू। हाँ अंकल, मुझे भी आपको एक सरप्राइज देना है। वो क्या है? ओह वेट, निकल। हे आकाश। हेलो, हाय, तुम्हें ही बुला रही है। हे आकाश, कम कम ऑन आकाश, जाओ ना। जा रहा हूं। आकाश, हरी आप, दिस इज आकाश, केबीसी में सीनियर रिपोर्टर है। एक रिपोर्टर कैसा होना चाहिए, ये इनसे सीखना चाहिए। ये तो पूरी इज्जत उतारेगी। सो एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आकाश। ओ, सबके सामने पोल खुल गई।
क्या हुआ अंकल, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? किसी स्टॉक क्लियरेंस की तरह बाय वन गेट वन फ्री में बेचा, तो भी ये सेल नहीं हुई है, ऐसा और चीज है। ये कहीं और भी अपने ही चैनल में काम करता है और ये अपने झूठ पर देखो कैसे हंस रहा है, गार्डन गार्डन हो रहा है। ये क्या किया अंकल? प्लीज, मुझे बेवकूफ बनाया तुमने। अदिति, अदिति, मैंने तुमसे झूठ कहा ये सच है, मगर मैं तुम्हें चाहता हूं, ये झूठ नहीं है। एक बात याद रखना, ये केबीसी करते हुए ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। केबीसी केबीसी कहकर मुझे बेवकूफ बनाया तुमने। छी। केबीसी चैनल ज्वाइन करने की जितनी इच्छा मुझ में है, वैसे ही मेरे पिताजी में भी थी। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए, वो हार गए। लेकिन मैं नहीं हारूंगा, मैं जीतने तक ट्राई करता रहूंगा। May I come in, sir? Please come. Have a seat. Thank you, sir. Mr. Akash, this opening is about investigating journalism and is all about how deeply investigate and how well you present the case. We have a case for you to analyze. It's a case of young lady. Her name is Katrine. She was found dead having fallen from the 8th floor of the City Tower apartment. The door was locked from inside. There were no traces of any visitors of the security cameras. You have to investigate if this is a murder or suicide. And as a journalist, how will you present this case? Sir, once more please. What? Ek aur bar. Ye koi movie nahi hai jiski synopsis aapko batani hai. This is an interview, man. Tumhe English nahi aati, isiliye tum ghabra rahe ho. कैथरीन नाम की लेडी 8वीं मंजिल से नीचे गिरकर मरी है। मेन डोर अंदर से लॉक्ड है। सिक्योरिटी कैमरा से क्लू नहीं मिल पा रहा है कि उस वक्त घर के अंदर कौन आया और गया। एज अ जर्नलिस्ट, ये मर्डर है या सुसाइड, ये तुम्हें पता लगाना है। हाउ आर यू गोइंग टू प्रेजेंट दिस एज ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग न्यूज? ऐसे लोग सिर्फ एक ही न्यूज में एक्सपर्ट होते हैं कि किस हीरोइन को बच्चा हुआ है, कौन से हीरो का डिवोर्स हुआ और कौन किसके साथ गया। दैट्स ऑल। दैट्स व्हाई आई डोंट सजेस्ट दिस इन द गाइड फॉर रिपोर्टिंग। कैथरीन, द विक्टिम हियर has been found dead after falling from the 8th story of the City Tower apartment. The city police declared that this is a suicide. The victim here, Katrine, as you see, has specially painted her nails. All the 5 toenails of the right foot have been painted, while on the left foot, 3 of her toenails have been painted, while 2 are unpainted. And as you can see, the nail paint bottle has been left open on her living room table. Nobody will paint their toenails before killing themselves. Reports also state that there were no traces of any visitors in the apartment. But as you can see, there are 2 cups of coffee on the table. This shows that the victim was not alone but had company. And since the door was locked from the inside, this reveals that the guest was a friend, or more than a friend, but not an intruder. The security camera footage has been erased and there were absolutely no signs of struggle, which brings us to the conclusion that this is not a suicide but a very well planned murder. This is Akash from KBC News. English sirf ek bhasha hai, wo gyan nahi hai, magar Hindi wo ek itihas hai. Dusri bhashaon ka swagat hai, magar apni matrubhasha Hindi se pyar karo, uska samman karo. Thank you, sir. Very Mr. Akash, you have selected. Thank you. Thank you. Congratulations, yaar. I'm so happy for you. Congratulations. Thank you, sir. तुम्हें केबीसी में नौकरी मिल गई है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हटना, तुम केबीसी में जाने के बाद हमारे चैनल को हाईलाइट जरूर कर देना। हाँ सर। ओके, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। आई एम सॉरी।
मैंने तुम्हें बिना जाने ही तुम्हें थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी वही करता। इसके बाद यहाँ आओगे ना? पता नहीं क्यों ऐसे ही पूछा। एनीवेज कंग्रेट्स। ऐसे क्यों देख रही हो? अब से तुमसे डेली ऑफिस में मिल नहीं पाऊंगी ना, इसलिए गौर से देख रही हूँ तुम्हें। लड़कियाँ भी गौर से देखती हैं क्या? क्यों, सिर्फ लड़के ही लड़कियों को गौर से देख सकते हैं क्या? लड़कियाँ नहीं देख सकती? तो क्या देखा गौर से? बिना शेव की हुई तुम्हारी दाढ़ी, शार्प नोज, शॉर्ट हेयर कट और बहुत कुछ कहने वाली तुम्हारी ब्यूटीफुल आंखें। इंटरेस्ट ना होने पर भी तुम इम्प्रेस कर लेते हो। सिक्स पैक्स नहीं है फिर भी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। सुंदर दिखने वाली सभी लड़कियाँ कम खूबसूरत दिखने वाले लड़कों को ही पटाती हैं। Prove it? Usually कोई भी लड़की इतनी आसानी से लड़कों को नहीं मानती है, मगर मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम जब मिला था तब मैं कौन हूँ ये तुम्हें पता नहीं था, फिर भी मेरी सारी बातों पर तुमने यकीन किया था। क्यों जानती हो? क्यों? क्योंकि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। मेरे मांगने से पहले ही तुमने अपना फोन नंबर दे दिया था। इसका मतलब क्या है पता है तुम्हें? क्या मतलब है? वही देखते ही आ जाता है ना। हाँ, क्या आता है? लव। हे सर, उठाओ इसे। ओके सर। सर मैंने क्या किया सर? सर मेरी गलती क्या है बताइए सर। हेलो सर, आप उसे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं ये तो बताइए। सुनो, डिग्री सर्टिफिकेट में फोर्जरी करने वाला फ्रॉड है ये। तो क्या अब इसे अरेस्ट कर लेंगे? नहीं, तुम्हारी तरह से गोद में बिठाकर आरती करेंगे। हे, इस तरह के लड़के जो लाइन मारते हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट देने का जमाना है ये। तुम जैसे लड़कियों को ऐसे लोफर चाहिए होते हैं क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? हे, ले जाओ इसे। ए, चल बैठ। ए, अंदर बैठ। सर, सर मेरी बात मानिए सर, प्लीज सर सुनिए सर। चला, चला, सर अंदर, मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज। कौन है? प्लीज सर। मैं हूँ सर। अच्छा तो तू है, ले चलो इसे। क्या हुआ सर, मैंने कुछ नहीं किया। सब पता चल जाएगा। छोड़ दीजिए। चलो, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है सर, ये सब हमारे एम्प्लॉयज है। आई थिंक यू आर मिस्टेकन सर। सर फोटो में तो वही है सर। बहुत फ्रॉड की है तूने। चल हमारे साथ चल, गलत काम करके यहाँ शरीफ बनकर बैठा है। चल ले चलो इसे। यही है सर वो संतोष। क्या नाम है तेरा? संतोष। तेरी सर, सर क्या हुआ सर? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ शरण कौन है? कौन है शरण? मैं हूँ सर। चल 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 चल। तुम्हारे दो चार पढ़ने जाए ना, तुम्हारे सबका ठिकाने नहीं है। चुप कर। तू कौन है? मेरा नाम आकाश है। हाँ? मेरा इस फॉर्जरी केस से कोई संबंध नहीं है सर। हाँ, और मैं एक चैनल रिपोर्टर हूँ सर। कौन सा चैनल? स्पाई टीवी। हाँ? स्पाई टीवी सर। स्पाई टीवी? हाँ। स्पाई टीवी से आया है। वो कुछ भी करता है करने दो, तुम रिएक्ट मत करना। रिपोर्टर्स भगवान होते हैं क्या? ऊपर से उतर के आते हैं क्या? अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इधर उधर कैमरा रख के स्टिंग ऑपरेशन करके अपने चैनल पे दिखा के तुम हमारी बदनामी करते रहते हो और ये जताते हो कि पुलिस का काम तुम लोग कर रहे हो और हमें बदनाम करते रहते हो। हा? अब देख मैं कैसे इस मजा को सजा में बदलता। आप क्यों मार रहे हैं इसे बिना वजह? आप इसे ऐसे कैसे मार सकते हैं बोलिए? आप कौन है? आई एम लॉयर शंकर, ये मेरा आईडी कार्ड है।
और ये कौन है? सर मैं इसका पिता हूँ। आपने इसे क्यों अरेस्ट किया है? क्या गलती है इसकी? एजुकेशन लोन फॉर्जरी। इन पांच लोगों ने फ्रॉड करके बैंक को धोखा देके एजुकेशन लोन लिया था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमई, एमएच और पीएचडी पढ़ेंगे ये बोलकर बैंक को फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए, और वो भी सेपरेटली, लेकिन एक ही टाइम पर पांच बैंक्स को धोखा दिया। 1 लाख नहीं 2 लाख नहीं 13 करोड़ का प्लान बनाकर बैंक्स को धोखा दिया इन्होंने। सर मैंने फॉर्जरी नहीं की, मैंने कोई चीटिंग नहीं की सर, ये सब झूठ है सर। hey, इधर आ बे। जब बड़े साहब बात कर रहे हैं तो तू बीच में क्यों बोल रहा है? देखिए, इन लोगों ने ये फ्रॉड किया, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? वो फाइल लेके आ रहे। ये इन पांच लोगों द्वारा सबमिट किए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स, सब ओरिजिनल दिखते हैं लेकिन हैं डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स। फेक कॉलेज सर्टिफिकेट, फेक वीजा, फेक आधार कार्ड, फेक डिग्री सर्टिफिकेट, फेक मार्कशीट, फेक वोटर आईडी, फेक पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब के सब फेक बना के इन्होंने पांच बैंक्स को धोखा दिया। मेरा ही आईडी प्रूफ, मेरा ही फोटो, मेरे ही सिग्नेचर है, और इसीलिए हमने तुम्हें अरेस्ट किया है। हर बैंक में इन्होंने फेक एड्रेस पोस्ट किया ताकि हम इन्हें ट्रेस ना कर पाए, लेकिन 3 दिन पहले इनके वेरिफिकेशन आने के बाद हमें केबीसी चैनल से इन्फॉर्मेशन मिली, और काफी छानबीन के बाद हम लोग इन तक पहुंचे। सारे पुलिस स्टेशन से पिछले 1 साल के सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए तो ये पकड़ में आए हैं। सर सिर्फ इन पेपर्स के बिना पर इतनी जल्दी किसी फैसले पर मत पहुंचिए सर, प्लीज। सर कोई पढ़ा लिखा है या नहीं, जिंदा है या मर गया है, उसे वोट डालने का हक है या नहीं, ये सब डिसाइड करने वाले ये ही पेपर्स हैं सर। राइटर FIR बना के इन सबको अंदर कर। ओके सर। सर प्लीज सर, सर चलो ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कोर्ट का मामला कोर्ट डिसाइड करे। सर चलो पहले, सर चले यहां से, आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर। सर प्लीज सर, जो भी बोलना है कोर्ट में बोलना। सर मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज सर। ए चुप, सर ने कहा ना चलो यहां से। मेरे बाप पर हाथ उठाता है तू, अब देख जरा क्या करता है। ए पुलिस पे हाथ उठाया ना इसने, इसे जरा पुलिस की ताकत दिखा। सर आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, इसे मत मारिए सर, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज सर छोड़ दीजिए सर, मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा सर, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए सर। न्यायालय में मौजूद सारे आरोपियों ने एक साथ मिलकर नकली प्रमाण पत्र बनाकर उस पर बैंक से लोन लिया है, जो कानूनन जुर्म है। इन सभी अपराधियों ने बैंक से जो 13 करोड़ रुपए लिए हैं, अदालत हुक्म देती है कि ये सारे पैसे 10 दिनों के अंदर अदालत में जमा करवाएं। इन आरोपियों को अदालत IPC सेक्शन 120B, 417 और 420 के आधार पर 7 साल की सजा सुनाती है। ऐसी घटना समाज में फिर से ना दोहराई जाए, इसीलिए इन सभी आरोपियों के सर्टिफिकेट्स को रद्द किया जाता है। और थोड़ी देर में हमारे नाम और तस्वीर टीवी पर दिखने लगेंगे तो लोग हमें क्रिमिनल समझेंगे, फिर हम किसी को कितना भी समझाए कोई नहीं मानेगा हमारी बात। सर क्या मैं अपनी मम्मी को एक फोन कर सकता हूँ? वो क्यों, क्या आप अपना फोन देंगे प्लीज? चुपचाप बैठा रहा है, बकवास मत कर, बड़ा या फोन करेगा। सर मेरे पिताजी का हार्ट ऑपरेशन है सर, पैसा लाऊंगा सोच के मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी सर। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? शिमोगा सर। तुम अरेस्ट हुए हो ये तुम्हारे माँ बाप जानते हैं? नहीं सर। फोन दीजिए ना सर प्लीज। अपना मुंह बंद कर ले वरना बोले लायक नहीं। फोन दे दो इसे। हेलो। हेलो माँ। अनीश कहाँ हो बेटा? पापा कैसे हैं माँ? तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ बेटा। पैसों का क्या हुआ, तुझे ऑफिस से लोन मिला? नहीं माँ, ऑपरेशन के लिए मैं पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया माँ। ये क्या बेटा, अचानक तू ऐसे क्यों कह रहा है, बता मुझे बेटा। फेक सर्टिफिकेट बनवा के बैंक से लोन लिया ऐसा बोलकर पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया है माँ। मेरी सारी सर्टिफिकेट्स कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है माँ, मेरा करियर बर्बाद हो गया है माँ। ये तू क्या कह रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। अभी आती हूँ।
अनिश एक मिनट रुकना बेटा सर। हाँ कहिए क्या हुआ, क्या कर रही हैं आप? पैसे अभी तक जमा नहीं हुए? आप ऑपरेशन को और कितने दिनों तक आगे खींचेंगी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके पति ऊपर चले जाएंगे। बहुत जल्दी भर देंगे सर, मेरा बेटा पैसे लाने के लिए ही गया है। देखिए मैडम, कल सुबह तक आपको पैसे भरने ही होंगे, वरना सीनियर डॉक्टर ने इन्हें डिस्चार्ज करने के लिए कहा है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। अगर पैसे ही नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोग आते क्यों हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना इसके लिए। अनिश, इतनी मेहनत करके आप लोगों ने मुझे पढ़ाया, उसका कोई फायदा नहीं है माँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। ऐसी बातें मत कर बेटा, तू यहाँ आ जा। किसका फोन है? अनिश का। उसे जल्दी आने के लिए बोलो ना, उसे देखना चाहता हूँ मैं। तुम रो क्यों रही हो? बैंक को धोखा देकर एजुकेशन लोन लिया इन्होंने। पीछे आप लोग देखिए, हम लोग अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। प्लीज बताइए क्या हुआ? हमने कुछ नहीं किया है, हमें कुछ नहीं पता। और कौन शामिल है बताओ? हमने कुछ नहीं किया। फेक पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ डुप्लीकेट बनाकर प्लान करके इन्होंने बैंक के साथ फ्रॉड किया है। गाइस, हमने जो सर्टिफिकेट बनवा के दिया उसमें एक लड़का मर गया है, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। डरने वाला एक भी अगर जिंदा रहा तो हमें प्रॉब्लम होगी, ऐसों को जड़ से ही उखाड़ फेंकना जरूरी है। Hey, साफ कर दो। कुछ दिनों तक एजुकेशन लोन लेना बंद कर दो। लेकिन भाई हम लोग लोन लेना काय को बंद करें? अचानक से बंद करेंगे तो बहुत लॉस होगा हमको। जो बोल रहा हूँ करो। ठीक है भाई। एजुकेशन लोन लिए हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल ले जाते वक्त अनीश नाम के एक लड़के ने पुलिस वैन से कूदकर आत्महत्या कर ली। बाकी 4 आरोपियों को मुख्य न्यायालय ने जमानत दे दी है और उन लोगों की इंक्वायरी करने के आदेश दे दिए गए हैं। शंकर, ये लो रखो, ये इस घर के कागजात हैं। इस घर के साथ सारे सामान को बेचकर कोर्ट के पैसे भर दो। ये घर हमारे लिए जरूरी तो नहीं है ना, हम कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। पागलों जैसी बातें मत कर, सब बेचकर हर जाना भर देगा तो समस्या खत्म हो जाएगी क्या? इसे पढ़ा लिखा कर इसीलिए इतना बड़ा किया है तूने? अब तक के इसके सारे सर्टिफिकेट कोर्ट ने रद्द कर दिए हैं। इस समय इसकी हैसियत सिर्फ अंगूठा छाप के बराबर है। कौन देगा काम इसे? जरा एक बार ये भी तो सोचो। मिस्टर आकाश, एक हफ्ते के अंदर आपको सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। यू नो दिस इज अ इंटरनेशनल न्यूज चैनल, किसी रिकॉर्ड्स के बिना यहाँ कोई काम नहीं होता, स्पेशली योर डिग्री सर्टिफिकेट। आकाश, इस केस की कुछ डिटेल मैंने इकट्ठी की है, ये लो। इस केस में सिर्फ तुम 5 लोग नहीं फंसे हो, 2 साल पहले मैंगलोर में 2 लोग, मैसूर में 2 लोग और मणिपाल के 3 लोग फंस चुके हैं। आगे कितने लोग फंसेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फंसने वाला हर कैंडिडेट अलग जगह अलग गांव का है, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, कोई लिंक नहीं एक दूसरे से। इन सभी लोगों में सिर्फ एक कॉमन बात है और वो है फेक सर्टिफिकेट्स। एक ही तरह का फेक सर्टिफिकेट बनाकर एजुकेशन लोन लिया गया है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गैंग है, इन्हें पकड़ना जरूरी है। आकाश, कॉमन मैन की तरह चुप मत बैठो, समस्या को ढूंढ निकालने वाले रिपोर्टर की तरह सोचो। क्या हुआ?
इस ओरिजिनल सर्टिफिकेट में जो फोटो है और पुलिस स्टेशन में जो फेक डॉक्यूमेंट्स मिले थे उन पर जो फोटो था, वो दोनों फोटो एक ही हैं। अगर ऐसा है तो तुम्हारे कॉलेज से सर्टिफिकेट और फोटो लीक हो गए हैं। इम्पॉसिबल, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। किसी ने तो ऐसा किया है, तभी तो इस तरह की घटना हुई है, वही तो पता करना होगा। ए शंकर, ये सर्टिफिकेट और फोटोज मैंने दूसरी जगह भी यूज किए थे। कहां पर? सुनिए, हाँ? ये ऑफिस सुबह कितने बजे खुलता है? सर, ये बहुत दिनों से खुला ही नहीं है, यहाँ कोई नहीं आता सर। अरे भाई, अभी मैं पूछ ही रहा हूँ और तुमने ताला भी तोड़ दिया। अरे यूनिफॉर्म में हो भाई, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? बहुत दिनों से ये बंद पड़ा है, यहाँ कोई नहीं आया, ऐसा वो मौसी कह रही है। पर ये ताला देखिए, नया लग रहा है। ये देखिए, यहाँ पर कोई डस्ट भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ कोई आता जाता है। अंदर जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। ये हनुमंत सुन, शटर को उठा। ये क्या, यहाँ तो अंधेरा है। ए, स्विच बोर्ड इधर है। एक जगह भी मत छोड़ना, कोना कोना ढूंढना। अरे आकाश, हर जगह ढूंढ लिया, एक छोटा सा क्लू भी नहीं मिल रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि कॉलेज से ही सर्टिफिकेट लीक हुआ है और कहीं से नहीं। ये सब तो फेक सर्टिफिकेट्स हैं यार। हा? ये देख, ये तो MBBS का सर्टिफिकेट है। तुम्हारे नाम का किसी और का सर्टिफिकेट है, देखने में बिल्कुल ओरिजिनल। ये देखो, ये देखो, यहां बहुत सारे सील भी हैं। ब्लूर यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, हम्पी यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, बेलगाम यूनिवर्सिटी, धारवाड़ यूनिवर्सिटी, ये क्या है? सभी यूनिवर्सिटीज का सील है यहां पर। लेकिन बैंक से लोन लेने के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट ही काम नहीं आता, साथ में और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्सिटीज के ही सर्टिफिकेट्स हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि ये लोग सिर्फ बैंक को धोखा देकर लोन ही नहीं ले रहे हैं, फेक सर्टिफिकेट्स बनाकर दूसरों को बेच भी रहे हैं। दूसरों को बेचने वाले ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर छोड़कर ये लोग क्यों गए? क्योंकि ये सब डैमेज हो चुके सर्टिफिकेट्स हैं। ये देखो, छोटी छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक्स। ये कोई साधारण गैंग नहीं है, ये बहुत बड़ा जाल है। अगर मेरा गैस करेक्ट है तो ये कंसल्टेंसी के नाम पर यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स के ओरिजिनल फोटोज और डिटेल्स लेकर उन्हें मैच करके फेक सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं। मैच करके मतलब? अब जैसे तेरा नाम हनुमंत है, अपने राज्य में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कुल मिलाकर 48 यूनिवर्सिटीज हैं। इन 48 यूनिवर्सिटीज के अंडर कम से कम 2000 कॉलेजेस तो आते ही हैं। इतने कॉलेजेस में हनुमंत नाम के किसी एक स्टूडेंट ने तो पढ़ाई जरूर की होगी, तो उसके नाम से मैच होने वाले ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स चुराकर एक ही नाम के हजारों फेक सर्टिफिकेट्स तैयार करते हैं। अब ये दो सर्टिफिकेट्स देखिए, एक ही नाम है, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेम डिग्री, लेकिन फोटो अलग अलग है। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की तरह बनाकर आखिर बेचने का फायदा क्या है? वेरी सिंपल, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कोई नहीं फंसेगा, बेचने वाला सेफ, खरीदने वाला सेफ। करेक्ट।
हे भगवान, देश में ये काम ना जाने कितने लोग करते होंगे। आकाश, बहुत जल्द इस गैंग का पर्दाफाश करना होगा। सभी सर्टिफिकेट्स में फोटो तो है ही, उसके वजह से आराम से पकड़ सकते हैं ना। सिर्फ फोटो से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग किस शहर में किस ऑफिस में क्या काम कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। वो लोग कौन हैं, कहां पर रहते हैं और क्या काम करते हैं ये तो हम नहीं जानते, पर उन लोगों को कहीं भी रहने दो। अब हमें उन लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद हमें ढूंढते हुए आएंगे। वो कैसे? शहर में पुलिस की हुई इंक्वायरी में फेक सर्टिफिकेट बनाकर ऐसी जानकारी मिली है कि ये लोग सरकार और प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं। अगर वो लोग आपको कहीं भी नजर आए तो पुलिस स्टेशन में उनकी जानकारी जल्द से जल्द पहुंचाएं। ये लोग आपके आसपास ही कहीं हैं। नाम है वेंकटेश, उम्र 40 साल, पढ़ाई BSc एग्रीकल्चर, जिसने बैंगलोर विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की है। हेलो, सुनिए जी, आपकी फोटो टीवी में दिखा रहे हैं। मेरी फोटो टीवी में दिखा रहे हैं और साथ ही आपका सर्टिफिकेट भी दिखा रहे हैं जी। नाम गोविंद राज, उम्र 40 साल, इन्होंने 2006 में KMC यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री ली हुई है। इस आदमी का नाम है नरसिम्हा, उम्र 34 साल, MA पढ़े हैं मानस गंगोत्री मैसूर से। नाम वसीम खान, उम्र 48 साल, 2008 में बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से MCOM पढ़ा है। दूसरे हैं शरद राव, उम्र 50 साल, इन्होंने YMC यूनिवर्सिटी से वकालत हासिल की है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई रेड नहीं पड़ी है भाई, और ना ही कोई अरेस्ट हुआ है। ये तो फेक न्यूज है भाई। हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला है इस फेक न्यूज का? इन 52 लोगों में कोई सिमिलैरिटी है क्या? कोई सिमिलैरिटी नहीं है भाई, सब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और ना ही कोई एक दूसरे को जानता है भाई। पूरे राज्य में हम लगभग 38 कंसल्टेंसी चला रहे हैं, इनमें से किसी एक ब्रांच से ये फेक सर्टिफिकेट लीक हुई है मुझे ऐसा लगता है। विक्की, सभी सर्टिफिकेट श्रीरामपुरा ब्रांच से मैच हो रहे हैं भाई। तो सभी फेक सर्टिफिकेट श्रीरामपुरा ब्रांच से लीक हुई हैं। एक मिनट भाई। 52 नहीं, 51। 51? सिर्फ एक सर्टिफिकेट मैच नहीं हो रही है। कौन सी सर्टिफिकेट है? इस शख्स का नाम है शंकर, इसने 2002 में बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से MA LLB की पढ़ाई की है। हेलो। हेलो आकाश, इसीलिए तुमने सर्टिफिकेट्स मांगे थे क्या? कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो? कुछ नहीं होगा, तेरी वजह से इसके पीछे कौन है उसे मैं पकड़ लूंगा। यू आर माई ट्रम्प कार्ड। देखो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं, तू बस रेडी रहना। नाम है शंकर, एज 36, 2002 में बैंगलोर यूनिवर्सिटी से LLB पढ़ा है। इसके पीछे जरूर दूसरा कोई है, इसका पता लगाना है तो इसे उठा कर लाना होगा। Bring him. आकाश, मैं तुम्हारे बताए हुए ऑफिस के पास ही खड़ा हूँ, आगे क्या करना है मुझे? मेरी बात ध्यान से सुन, अब थोड़ी देर के बाद वो लोग तुझे किडनैप करेंगे। क्या किडनैप? ये सब क्या कह रहे हो तुम? अगर तू किडनैप हुआ तो ही वो लोग कौन है ये मैं जान सकता हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ ये जानने तक वो लोग तुझे किडनैप नहीं करेंगे, बस फॉलो करते रहेंगे। तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे ये सब कैसे पता है आकाश? तेरे लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग है ना, उसमें कोने में फोन पर कौन बात कर रहा है जरा देख। तेरे राइट में 10 फुट की दूरी पर एक बाइक है, उस पर बैठकर कोई तुझे ऑब्जर्व कर रहा है देख। तेरे ऑपोजिट 40 फुट की डिस्टेंस पर फोन पर बात करते हुए कोई तुझे ही देख रहा है। तेरी समझ में भी नहीं आया पर कल से ये लोग तुझे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन तू कहां पर है ये बता मुझे। तेरे लेफ्ट में 70 फुट के डिस्टेंस पर एक रेड कार में बैठा हूं देख। भाई, वो फोन पर किसी से बात कर रहा है भाई। वेट करेंगे, एक बात तो पक्की है, इसके लिए ये आदमी यहाँ पर जरूर आएगा। अगर तू चाहता है अपना प्लान कामयाब हो तो तेरा किडनैप होना जरूरी है। उसके लिए भी तुमने कोई मास्टर प्लान बनाया होगा, वो प्लान भी तुम मुझको बता दो। तेरे सामने ग्रे कलर की शर्ट पहनकर कोई चाय पी रहा है देख। हाँ है तो? उसके पास जा और मेरे कहने तक उससे बात करते रहे। अरे यार, उस अनजान आदमी से क्या बात करूं मैं। हाय बॉस,
कैसे हो तुम? बहुत दिन के बाद दिखाई दिए। मैं तो ठीक हूँ, आप कौन है? भाई, ये उससे ऐसे मिल रहा है जैसे पहली बार नहीं मिला हो। ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई पुरानी जान पहचान हो। मुझे डाउट हो रहा है भाई। जब तक मैं ना बोलूं वेट कर। इंगेजमेंट कर ली, शादी कर ली, बच्चा पैदा कर लिया और नामकरण में भी नहीं बुलाया। अब क्या सीधा डिवोर्स के समय बुलाएगा तू मुझे? क्या बात कर रहे हो, मेरी अभी तक तो शादी भी नहीं हुई। अच्छा ऐसा है क्या? सॉरी यार, गलती हो गई। अब उसे तेरा विजिटिंग कार्ड दिखा दे। इस वकील के ऑफिस का एड्रेस पता है आपको? भाई देखो, वो तो उसको कोई कागज दे रहा है। अरे भाई, इस एरिया में मैं भी नया हूं। तो गूगल में देखकर बता दो ना। अरे गूगल में ही देखना है तो तुम खुद ही देख सकते हो, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता तो क्या हुआ? वैसे मुझे पता है, नहीं समझे? अरे वो वकील मैं ही हूँ। वो देखो, वो जो ऑफिस है ना, वो मेरा ऑफिस है। यहाँ पर सिर्फ सिविल केस हैंडल करता हूँ, और वहाँ जो दो आदमी खड़े हैं ना, वो ही मेरा काम हैंडल करते हैं। बार बार ये अपने आदमी की तरफ हाथ दिखा के बात कर रहा भाई। ये बात तो कन्फर्म है कि ये वही आदमी है। बोलो भाई। वो कार्ड उसके जेब में डाल दे। तुम ये कार्ड रख लो अपने पास। ओके मूव। ओके बाय। भाई वो तो जा रहा है। ए, जाओ उस लड़के को पकड़ो। भाई ये तो कुरियर बॉय है। भाई क्या कहा? कुरियर बॉय है? वो हमारे साथ ही गेम खेल रहा है, खत्म कर डालो उसको। चलो। आकाश या अपना प्लान वर्कआउट हो रहा है भाई। वो लोग मुझे किडनैप करने के लिए आ रहे हैं, मैं तैयार हूँ, आने दो उनको। उनके प्लान में एक स्मॉल चेंज है। वो लोग तुझे किडनैप करने नहीं आ रहे। तो फिर? वो लोग तुझे जान से मारने आ रहे हैं। क्या बोल रहा है तू? वो लोग मेरे पास आ रहे हैं, क्या करूं मैं? आकाश कुछ कर यार, जल्दी से कुछ कर। रन! आकाश तू जा, मैं आता हूँ। जा जा जल्दी निकल। हे आकाश, देख क्या हो गया, मैंने मना किया था ना, देख अब उसकी जान जा सकती है, अब क्या करेगा तू? उसे किडनैप कर लिया है। उसे किडनैप करते समय एक लड़का बीच में आ रहा था, उसको धोखा देकर हम इसे यहाँ पर ले आए। यू इडियट, तुमने उसे किडनैप नहीं किया है, उसने खुद को तुम्हारे हाथों किडनैप करवाया है। तुम्हें उसे किडनैप करना चाहिए था, इसे नहीं। उसे दरअसल एविडेंस चाहिए और वो तुझे ढूंढते ढूंढते यहां आ जाएगा। उसके आने से पहले इसे खत्म कर दो, कोई भी एविडेंस उसे नहीं मिलनी चाहिए। माने? ठीक है भाई। ए, सारे एविडेंस के साथ इसे भी जला दो, चलो। भाई
ए, देख तो कौन है। आकाश, टाइम पर आ गया तू यार। अगर तू थोड़ा लेट हो जाता तो मैं समझा। फेक सर्टिफिकेट का राज। पुलिस ने आरोपियों का पता लगा लिया है और सरकारी एजेंसी के लोग फेक सर्टिफिकेट बनाकर लोगों को बेच रहे हैं और इस मामले में कीमत भी वसूल कर रहे हैं। किसी कंसल्टेंसी के लोग फेक सर्टिफिकेट्स बनाकर आगे आ गए। चाहिए चाहिए एजुकेशन लोन के मामले में धोखा खाए हुए बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ हमारे साथ हैं। हाँ बताइए। मैंने इंजीनियरिंग की है। एक साल पहले पुलिस वालों ने मुझे फर्जरी केस में अरेस्ट किया था। मेरा डिग्री सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो गया। इस समय मैं मजदूरी का काम कर रहा हूँ। आप बताइए सर। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने धोखा खाया है। इसके पीछे जो भी है उसे सामने लाइए, हमें इंसाफ चाहिए। के समय श्रीरामपुरम के डॉट कंसल्टेंसी के ब्रांच में शक के दायरे में आने वाले कई लोगों की वहां लाशें मिली। ये लोग किसी दूसरे राज्य से आए हैं ऐसा अभी पता चला है। कई लोगों ने विदेश में पढ़ने के बहाने कई बैंक्स को फेक सर्टिफिकेट्स देकर एजुकेशन लोन लेकर बैंक्स को धोखा दिया है। इसकी पूरी छानबीन अभी चल रही है। इस केस से संबंध रखने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं है, इन सब के पीछे कोई बड़ा गैंग है। हे भगवान, अब जाके शांति मिली। आकाश, अब तुम केबीसी चैनल में जाकर के काम कर सकते हो। अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? नहीं अंकल, प्रॉब्लम तो अभी से शुरू होने वाली है। शंकर, मेरे कहने तक तुम बाहर मत जाना और फोन भी यूज मत करना। देखो आकाश, अभी अभी मैं मौत के मुंह से बचकर बाहर निकला हूँ, फिर से क्यों ढकेल रहा है मुझे? नहीं यार, फिकर मत कर, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। अभी तो सिर्फ एक आदमी को पकड़ा है, इसके पीछे कोई और है। हमें बताए बिना ही वो हमें ढूंढता हुआ आएगा। हम लोग कौन हैं उसके ये जानने से पहले हमें खुद ही उसे पहचानना होगा।
कौन है वहां? तुमसे पूछ रहा हूं कौन है वहां? इस जगह को पुलिस वालों ने अच्छे से चेक किया है। यहाँ पर कौन कौन आकर गया है इसका कोई एविडेंस नहीं है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के मुताबिक किसी भी सिस्टम पे किसी के फिंगरप्रिंट्स का निशान नहीं है। इट्स वेरी क्लियर। अपने आदमी यहाँ पर होते तो उनके फिंगरप्रिंट्स तो होने चाहिए थे। वो भी नहीं है तो ये बात बिल्कुल साफ है। समथिंग इज रॉन्ग। सर्च। Stop. Stop. मोशन कैप्चर कैमरा 180 डिग्री मोशन सेंसर 15 फ्रेम्स पर सेकंड। हम मूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा। हम कौन हैं ये जानने के लिए ही इसे यहाँ पर फिक्स किया गया है, और इसे लेने के लिए वो ज़रूर यहाँ पर आएगा। कर दी, हम टेंशन में आ गए थे। तुम्हें फोटोज मिली क्या? वो लोग कौन है कुछ पता चला? अरे बस करो, हर चीज की लिमिट होती है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी जान, तुम्हारा भविष्य, इन सबसे ज्यादा तुम्हारी टीआरपी रेटिंग और तुम्हारी चैनल की पब्लिसिटी जरूरी है क्या? आज के जमाने में गलती करने वाले छूट जाते हैं, उनकी तरफ उंगली उठाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। अरे सबको बदलना इतना आसान नहीं होता। अंकल एक मिनट, हम हमारे चैनल के टीआरपी रेटिंग और पब्लिसिटी के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। बोलूंगा तो आप नहीं समझेंगे। आप अंदर चलिए, मैं बताता हूं। क्या है यहां पे? ये सब फेक सर्टिफिकेट मामले में कलेक्ट किया हुआ पूरा एविडेंस है। ये कौन है? डॉक्टर गुरुमूर्ति, MBBS, FRCS, MD, PhD। ये सारी मेहनत से पढ़कर पाई हुई डिग्रीज नहीं है, पैसे देकर खरीदे हुए सर्टिफिकेट्स हैं। 8 साल पहले बैंगलोर शहर में एक छोटा सा क्लिनिक स्टार्ट किया था, और आज वही क्लिनिक बड़ा मल्टी स्पेशलिटी कॉरपोरेट हॉस्पिटल बन चुका है। 1 साल में इनका टर्नओवर कितना है आपको पता है? 70 करोड़ रुपए। इन्होंने आज तक 130 से भी ज्यादा ऑपरेशंस किए हैं। उनमें से मरने वालों की संख्या 83 है। उनमें से 15 बच्चे थे और 25 बेचारी प्रेग्नेंट लेडीज थी। सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, कॉलेज प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स,
पुलिस ऑफिसर्स, हेल्थ इंस्पेक्टर्स, बैंक ऑफिसर्स, पायलट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, लॉयर्स, इस तरह हर डिपार्टमेंट में फेक सर्टिफिकेट वाले लोग काम कर रहे हैं। एक साल में 7 लाख स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और उनमें से सिर्फ 40% लोगों को ही काम मिलता है। बाकी बचे हुए 60% लोग जिन्हें काम नहीं मिलता, वो बेचारे गली मोहल्लों में छोटा मोटा व्यापार करते हैं। बताइए क्यों? इन लोगों की वजह से। तुम्हारी बात सच है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन इन सबको ढूंढ कर अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है बेटा। Where there is a will, there is a way. समाज का कीड़ा बने हुए ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना है, लेकिन सबसे पहले हमें ये फेक सर्टिफिकेट सप्लाई करने वाले लोगों को पकड़ना होगा। वो तो अपने हाथों से निकल गया है और हमारे पास कोई क्लू भी नहीं है, कैसे पकड़ेंगे उसे? वो हमारे लिए एक क्लू छोड़ गया है। कैसा क्लू? फेक सर्टिफिकेट। मेरे नाम पर मैं खुद एक फेक सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ। एक सर्टिफिकेट का एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, वो नंबर रिपीट नहीं होता। इस सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछे बिना और असली सर्टिफिकेट और नकली सर्टिफिकेट में फर्क जाने बिना ही जो हमें एक परफेक्ट सर्टिफिकेट रेडी करके देगा, वही होगा हमारा क्रिमिनल। नहीं छोड़ूंगा, उसके पूरे नेटवर्क को मैं खत्म कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम देने के लिए तू है ना, अब चलो। ए, कैसा आदमी है रे तू, फेक सर्टिफिकेट बनाने वाले ब्रोकर को दिखाएगा बोल के कोर्ट में ले आया है। अरे सारे के सारे क्रिमिनल्स कोर्ट में ही मिल जाते हैं, यहाँ सभी प्रकार के केसेस होते हैं और सभी प्रकार के क्रिमिनल्स भी आते हैं, समझे? अच्छा? अब मैं तुमको मिलवाऊंगा खतरनाक क्रिमिनल से, आ जाओ मेरे साथ। देखो भाई, इस शहर में फेक सर्टिफिकेट्स बनाने वाले ब्रोकर्स काफी सारे हैं, लेकिन उनमें से 7 लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो इन 7 लोगों में से कोई एक हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि इन्हीं 7 लोगों में से उसका किसी से लिंक हो। मैं एड्रेस तुम्हें देता हूँ, वहां पर चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसका नाम है केडी नागे। करेक्ट, ठीक 3:20 पर पुलिस वाले ने वहां एंट्री की थी। कंसल्टेंसी के अंदर पुलिस आई थी? वो जो आया था वो पुलिस जीप में गया, बिना एफआईआर के न्यूज टेलीकास्ट भी हो गई। ये सब देखकर पता चलता है कि वो आदमी पुलिस डिपार्टमेंट का ही है। नहीं, पुलिस वाला होता तो प्रमोशन के लिए काम करता, या फिर वो कमीशन के लिए काम करता। प्रमोशन के लिए होता तो टीवी में आया होता, और कमीशन के लिए होता तो हमारे पास आया होता। Something is different. अगर वो पुलिस वाला नहीं है तो एक ही दिन में एक ही साथ सभी न्यूज चैनल्स में न्यूज कैसे टेलीकास्ट हो गई, बताइए? एक आम आदमी से ये सब मुमकिन नहीं है भाई। उन लोगों की डिटेल्स कुछ इस तरह से है। नाम गोविंद राज, उम्र 40 साल। फेक सर्टिफिकेट्स हैव बीन गिवन टू। पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं। फेक सर्टिफिकेट वालों को पुलिस ढूंढ रही है। न्यूज, अभी तक उसने न्यूज के सहारे हमारे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से मीडिया में वो कोई इन्फ्लुएंस्ड पर्सन हो सकता है, या फिर वहीं काम करने वाला होगा। मे बी ही इज अ रिपोर्टर। उसे एक रिपोर्टर से सभी रिपोर्टर्स के पास वो न्यूज गई होगी। उस दिन वहां कौन रिपोर्टर नहीं था वो तुम लोग ढूंढो, और कौन था मैं ढूंढता हूं। मैडम। हाँ सर, बोलिए। केडी नागेश्वर जी से मिलना था। एक मिनट रुकिए। नागेश सर। क्या है मैडम? देखिए, आपसे कोई मिलने आया है सर। बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? सर मुझे फेक सर्टिफिकेट चाहिए था। बाहर निकालो इन्हें। सर क्यों? एक बार कहने से समझ में नहीं आ रहा, निकलो यहाँ से। सर केडी नागेश्वर आप ही है ना? मैं ही हूँ नागेश्वर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आजकल हर जगह पर कैमरे लगा के रखते हैं, चौकन्ना रहना जरूरी है। ये बताइए आपको स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए या डिग्री चाहिए? हमें स्कूल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट चाहिए। पूरे पैसे एडवांस में मिलेंगे? हाँ, पूरे पैसे मिलेंगे। अच्छी बात है, इस एड्रेस पर चले जाओ, मेरा नाम बता देना, तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा।
यहाँ किसी भी तरह की बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, मगर यहाँ इलीगल तरीके से घर बन रहा है। ये जगह रेलवे डिपार्टमेंट की है, मगर इसे हटाकर बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। जरा इस जगह को देखिए। नवंबर 17 तारीख को तुम्हारे चैनल को फेक सर्टिफिकेट की न्यूज किसने दी थी? मुंह खोल, जल्दी बोल, बोला। ईटीवी से बेटा। हेलो भाई, सुवर्णा चैनल को न्यूज देने वाली ईटीवी की सुबेदा है। इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट चाहिए तुमको? हाँ सर। कौन सी यूनिवर्सिटी का? BTU यूनिवर्सिटी। बहुत मुश्किल है भाई, वेरिफिकेशन में तुम फंस जाओगे और साथ ही साथ मैं भी फंसूंगा। अमाउंट कितना भी लगे मैं दे दूंगा सर। ठीक है, मैं एक एड्रेस देता हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो विनय। फेक सर्टिफिकेट के बारे में तुमने जो मुझे न्यूज दी थी ना, कुछ लोगों ने मुझे धमका कर तुम्हारा नाम उसे उगलवा लिया है, इसलिए अच्छा तुम संभल कर रहना। हेलो जुबैदा। हेलो। ओह शिट, न्यूज किसने दी है? पब्लिक टीवी के सुरेश ने दी है। राजा, किसके नाम पर चाहिए? जी नाम है आकाश। गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हर एक सर्टिफिकेट्स 29.7 सेंटीमीटर लेंथ वाले होने चाहिए। इसी तरह से 21.9 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। अगर पेपर क्वालिटी के बारे में बात करें तो पक्का वो ग्लॉसी पेपर पर ही प्रिंट होनी चाहिए, ये पेपर असली नहीं है। NDTV की सोमिया। It is about fake certificate. Fake certificates has been produced. कौन सी चाहिए, मेडिकल की या डिग्री की? इंजीनियरिंग। आ जा। सर्टिफिकेट की थिकनेस 0.156 मिलीमीटर होनी चाहिए। सर्टिफिकेट पर छपे हुए एक एक अक्षर स्पेशल जर्मन मेड इंक से ही प्रिंट होनी चाहिए, और ये जर्मन मेड इंक से प्रिंट नहीं हुई है। क्या बात है गीता, बोलो। फेक सर्टिफिकेट की न्यूज तुम्हें कहाँ से मिली? कुछ लोग आकर मुझसे पूछ रहे हैं। एक मिनट रुक जा, मैं तुझे फोन करती हूँ। सुवर्णा चैनल को न्यूज देने वाली चंद्रा टीवी की श्रुति है। आइए आइए, सब काम हो जाए। नमस्ते भाई। नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। इन लोगों को जरा फेक सर्टिफिकेट बनवाने का। तुम जाओ, मैं इन दोनों को देखता हूँ। आओ आ जाओ। ये रही इंजीनियरिंग वाली मार्कशीट और ये उसका सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट्स में सीक्रेट सिंबल्स प्रिंट होती हैं, जिन्हें हम सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट में ही देख सकते हैं। साल 2009 में जिस सीक्रेट सिंबल का इस्तेमाल किया गया था वो इसमें नहीं है। हेलो। हेलो श्रुति, पता नहीं कौन था वो, लेकिन गन दिखाकर फेक सर्टिफिकेट न्यूज के बारे में पूछ रहा था। मैंने तुम्हारा नाम बता दिया, वो तुम्हारे पास आता ही होगा। okay. देखो सर, यहाँ सिर्फ जॉब ऑर्डर ही मिलता है, सर्टिफिकेट की जानकारी दूसरी जगह मिलेगी। शॉप नंबर 37, बर्मा बाजार। यही शॉप है। अदिति तुम यहीं रुको। हाँ सर। हाँ बोलो सर। सैफ आप ही हो ना? हाँ मैं ही सैफ हूँ। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से इलिंगो सर ने भेजा है। अच्छा, अब्दुल्ला भाई। सुन अब्दुल्ला, ये सरकार वाला मैटर है, ठीक है? हाँ। तू इनको अपने साथ लेकर जा। ठीक है भाई। हेलो हनुमंत,
नवंबर 17 को तुमने मुझे जो न्यूज दी थी वो न्यूज किसने दी थी ऐसा मुझे गन दिखाकर उसने पूछा और मैंने डर के मारे उसे सब बता दिया। आई एम सॉरी। वो लोग तुम्हारे पास कभी भी पहुंच सकते हैं। हनुमंत, तुम मेरे केबिन में यहाँ क्या कर रहे हो और ये सर्टिफिकेट्स कैसी? ये क्या? इस सफर तो आकाश की फोटो है। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सच बताओ मुझे, बोलो ना। सर आप इनको यहीं रहने दीजिए, हम लोग अकेले चलते हैं। अदिति तुम यहीं पर कार में इंतजार करो, मैं आता हूं। आइए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। आ रहा हूं साहब। खोल। भाई है? ऊपर है साहब। अच्छा, आ जाओ भाई। यहाँ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट पक्का बनाएगा ना? पक्का, ओरिजिनल सर्टिफिकेट का जैसा रहेगा बिल्कुल। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हनुमंत, अभी हम क्या करें? उन लोगों के यहाँ आने से पहले हमें इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना होगा। मुझे कुछ भी हो जाए उसकी परवाह नहीं है, आकाश को कुछ नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी सर, मेरे कहे बिना अंदर किसी को भी आने मत देना। ठीक है सर। मेन डोर को अभी बंद कर दे। सर्च। स्टिल हॉट। वो इस तरफ आ रहा है। भाई, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से एलेंगो सर ने भेजा इसे। एक वीटीओ सर्टिफिकेट चाहिए। अब ठीक है, तुम बैठो, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। दूसरी यूनिवर्सिटी का है तो 3 लाख, वीटी है तो 5 लाख, चलेगा ना? अबे कुंभकरण की औलाद, मैं नीचे जाकर एक सर्टिफिकेट लेकर आ रहा हूँ, तब तक तू उस पर नजर रखना, सोना मत, समझ गया? वरना तुम यहीं पर बैठो। ए, तुम लोग मेरे साथ आओ। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो इन 7 लोगों में से कोई एक हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि इन्हीं 7 लोगों में से उसका किसी से लिंक हो। यहाँ का जो सर्टिफिकेट है ना, बिल्कुल ओरिजिनल के जैसा रहेगा भाई। हमें यहाँ आता देखकर सबके सब लोग भाग गए लगता है। चलो यहाँ से। अरे बाप रे, बच गए, मैं तो बहुत डर गया था। जिस यूनिवर्सिटी का वो मांग रहा है वो नहीं दे सकते, जहां आकाश का नाम मैच होगा उसी यूनिवर्सिटी का दूंगा, ट्राई करता हूं, मिला तो उसका नसीब। अलग अलग जगहों पे प्रिंट की हुई हैं ये सर्टिफिकेट्स।
इस फोटो में कौन है? नहीं पता। अब बता वो कौन है, बताएगा कि नहीं? वो कौन है वो? ये तो बहुत लकी है यार, VTU यूनिवर्सिटी में इसी के नाम का एक लड़का पढ़ता है। फिर तो काम हो गया। अरे रुक। क्यों, क्या हुआ? नाम तो मैच हो रहा है लेकिन डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहा। ए, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक से देखो ना। चांस ही नहीं है यार। उसका फोटो है क्या? हाँ है ना, ये लो। उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक करता हूँ। ये सर्टिफिकेट उसी की है। अब क्या करें? जल्दी से फोन करके भाई को ये बात बतानी होगी। बता, बता। Wait a minute. हेलो भाई, VTU यूनिवर्सिटी का फेक सर्टिफिकेट मांगने एक आया है। उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही वो यहाँ से फेक लेने आया है। उसका नाम क्या है? आकाश। आकाश एजुकेशन लोन लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं चेक करो, और उसकी फोटो मुझे फॉरवर्ड करो। ठीक है भाई। चैनल स्टाफ लिस्ट में आकाश नाम का कोई है? चेक करो। भाई लोन लिस्ट में उसका नाम मैच हो रहा है। भाई आकाश। इस समय वो कहाँ है? वो अभी यहाँ ही है भाई। मेरे आने तक वेट मत करो, किल हिम। ओह नो, हार्ड डिस्क ले गया वो। हमारा सारा डिटेल्स उसके पास है। भाई हर जगह देख लिया, कहीं पर भी नहीं मिला। अदिति, 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 अदिति। एक्सक्यूज मी। मेरा एक फ्रेंड यहाँ सर्टिफिकेट लेने आया था, वो कहाँ है? उसका नाम? आकाश। कौन है तू? बता, बता, बता। विकी, वही है। हे अदिति, अरे कहाँ हो तुम? तू हार्ड डिस्क ले जाने की जल्दी में एक कीमती चीज यहीं भूल गया है। अगर तुझे चाहिए। क्या हुआ विकी? उसने कॉल काट दिया। इसे यहाँ छोड़कर लगता है वो डरकर भाग गया है। अब इसका क्या करें? मुझे छोड़ दो प्लीज। इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ए, ज्यादा फड़फड़ा मत, वो तेरा लवर है क्या? डरकर तुझे छोड़कर भाग गया? डरपोक कहीं का। रुक जाओ, वो वापस यहाँ आ रहा है। हाँ? लाइट बंद कर दो। इस मैंशन से उसकी लाश भी बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है विकी। हाँ?
Oh no. Hey, तू उस तरफ जा। हाँ। हाँ? कुमार? Hey, कुमार? Hey, hey, कुमार? कुमार? क्या हुआ तुझे? हाँ? हाँ? पूरे इंडिया में कौन कौन फेक सर्टिफिकेट बेच रहा है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेस में कौन कौन फेक सर्टिफिकेट्स पर काम कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स इस हार्ड डिस्क में है सर। ये सब सिटी में रहने वाले मेन ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स, इनमें सबसे मेन यही है सरकार। इसे और इससे लिंक में रहने वाले हर किसी को अगर अरेस्ट करेंगे तो फेक सर्टिफिकेट बनाने वाला पूरा रैकेट पकड़ा जा सकता है। इट्स अ बिग नेटवर्क। यस सर। सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसमें फंस सकते हैं। हाउ डिड वी मिस दिस? अच्छा,
अपने पुलिस डिपार्टमेंट को पता भी नहीं चला और इतना बड़ा नेटवर्क पीछे से चल रहा था। हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लोग फेक सर्टिफिकेट पे नौकरी कर रहे हैं सर। सच में? सर इसमें तो आधे से ज्यादा हायर ऑफिसर्स हैं। ये बात लीक हो गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। कल सुबह मैं खुद जाके कमिश्नर से बात करूंगा। हर चैनल में यही ब्रेकिंग न्यूज चलनी चाहिए। ओके सर। लेट्स फ्लश इट आउट। श्योर सर। ओके, इसमें जो भी इन्वॉल्व है कोई नहीं बचना चाहिए, सबको पकड़ना होगा। एंड दिस मैटर शुड रिमेन वेरी कॉन्फिडेंशियल। ओके, वी शुड वर्क आउट इट टुगेदर। हेलो, हमारी लिस्ट पुलिस के हाथ में आ गई है, कल सुबह तक मीडिया में पहुंच जाएगी। ये मैटर किसी भी तरह से पुलिस के हाथ से बाहर ना जाने पाए। लिस्ट में से अगर एक भी नाम बाहर आ गया तो हम सब फंस जाएंगे। अगर मैं फंसा तो तुम भी बचोगे नहीं। तुम्हें इसी वक्त कुछ करना होगा। रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस देश का सबसे बड़ा लॉयर बन जाऊंगा, देख लेना तुम लोग। आकाश, अगर तू टाइम पर नहीं आता ना तो आज तो मेरा यार आकाश, सच कह रहा हूं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। समस्या को ढूंढ निकालने वाले रिपोर्टर की तरह सोचो। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी जान, तुम्हारा भविष्य, इन सबसे ज्यादा तुम्हारी टीआरपी रेटिंग और तुम्हारी चैनल की पब्लिसिटी जरूरी है क्या? हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लोग फेक सर्टिफिकेट पे नौकरी कर रहे हैं सर। कैसे है रे तुम्हारे फ्रेंड्स? एक पुलिस वाला, एक लॉयर, जान की भीख मांग रहे थे। तुमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा देखा है? मैंने देखा है। तुमने मेरे दोनों भाइयों को जान से मार डाला है ना, उसी तरह तेरे साथ रहने वाला हर कोई मरेगा। मेरे खिलाफ तुमने जो भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो अब मेरे पास है। हे, एक पुलिस वाला, एक लॉयर, एक छोटा सा चैनल, इतना ही है ना तुम्हारा नेटवर्क? मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। सारे डिपार्टमेंट्स में मेरा एक ना एक आदमी मौजूद है और वो लोग खुद को बचाने के लिए मुझे जरूर बचाएंगे। कैच मी इफ यू कैन। हाय फ्रेंड्स, हर एक साल मेहनत से पढ़ाई किए हुए हमारे देश के लाखों स्टूडेंट्स अपने मन में हजारों सपने लेकर बाहर आते हैं। इन सपनों के पीछे माता पिता, उन सब की मेहनत और उन सब का त्याग होता है। मेहनत से पाए हुए सर्टिफिकेट्स को कोई एक आदमी चुरा कर ऐसे इंसान को देता है जिसमें काबिलियत नहीं है। काबिलियत रखने वाले छोटा मोटा काम करके गुजारा कर रहे हैं और कई लोग तो सुसाइड करके अपनी जान दे रहे हैं। जो लोग मेहनत से पढ़ाई करके अधिकारी बनते हैं वो लोग भी रिश्वत लेते हैं, ये तो गलत है ना? So nobody is perfect. इस तरह की बातें बोलकर ही रिश्वत देने वाले को और लेने वाले को हम लोग ही बढ़ावा दे रहे हैं। वो आदमी रिश्वत लेकर काम करता है मगर ये लोग रिश्वत तो लेते हैं लेकिन काम नहीं करते क्योंकि उन्हें कोई काम आता ही नहीं है। मीडिया का मतलब कॉन्ट्रोवर्सी, टीआरपी, पब्लिसिटी, सिर्फ इतना ही नहीं, इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेक सर्टिफिकेट्स बनाने वालों को हमें जनता के सामने लाना है, ये काम हम ही लोगों से होगा। मगर मैं कौन हूं ये बात वो लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। इस कोशिश में दो बेगुनाहों की जान चली गई, अब मैं किसी और की जान, और अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। सर,
मैं ये काम जरूर करूंगा। नहीं लिंगो, मेरे इस काम की वजह से तेरी बलि चढ़ जाए ये मैं नहीं चाहता। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं सर, लेकिन दूसरों का दर्द मैं जरूर महसूस कर सकता हूं सर। भले कोई आपके साथ ना हो, मैं आपका साथ जरूर दूंगा सर, वरना लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। ओके लिंगू, अब से तुम्हारा नाम लिंगू नहीं, मंजू, मंजुनाथ। ओके सर। जिसका दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, पर अस्तित्व हम तैयार करेंगे। तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, लेकिन फेक सर्टिफिकेट लेकर तुम उसके पास जाओगे। ओके सर। स्पाई ग्लास में जो कैमरा है उससे तुम जो देखोगे वही मुझे भी दिखेगा, और तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हें बताते जाऊंगा, तुम बस फॉलो करना। ओके सर। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। एक MBBS के सर्टिफिकेट चाहिए भाई। तेरा नाम क्या है? मंजुनाथ। आईडी कार्ड लेकर आया है ना? हाँ, ये है सर। इसमें 2 से 3 लाख रुपए लगेंगे। चलेगा सर। ए, इससे कैश लेकर चेक करो। ऑलरेडी चेक कर लिया है। सब कुछ ठीक है भाई, काम हो जाएगा। जा। ठीक है भाई। ये आकाश, ये तो वर्मा मेंशन जाने वाला रास्ता है ना? उन लोगों ने अपना अड्डा यहीं कहीं शिफ्ट किया है। चलो जा। चिंपैंजी यहीं बैठ, कोई डिटेल्स चाहिए होंगे तो तुझे बताता हूँ। हाँ ठीक है सर। ए आजा। ए लिंगू, तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है ना मुझे दिखे इस तरह से टेबल पर रखना। ओके। अब तुम अंदर जाओ, मेन सर्वर रूम को ढूंढो। फाइल नॉट फाउंड बता रहा है सर। हे लिंगू। जी सर। कोई अंदर आ रहा है। ओके। Got it. Okay, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही फॉलो करना। सर्टिफिकेट्स में तेरे सारे डिटेल्स हैं, चेक कर ले। लिंगू, हमें सारा एविडेंस मिल चुका है, तुम आ जाओ। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है चल निकल। हाँ सर। और किसी को जरूरत होगी तो बताना हमें। जी सर। मिल जाएगा। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, ठीक है, चल जा। ओके सर। मेरी पहचान वाला है भाई, इससे मैं बात कर चुका हूँ। बंद कर दो। क्या नाम है तेरा? तू डरना मत, उसे डाउट हो जाएगा। मंजुनाथ। काम क्या करते हो? शोभा नर्सिंग होम में कंपाउंडर हूँ सर। कितने सालों से काम कर रहे हो वहाँ? 8 साल से सर। तुम्हारे हॉस्पिटल का फोन नंबर? 2834-1600। 2834-1600। Thank you.
नर्सिंग होम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो शोभा नर्सिंग होम, मे आई हेल्प यू सर? कंपाउंडर मंजुनाथ है क्या? वो आज लीव पर हैं, उनसे कुछ काम है क्या? मुझे उनका फोन नंबर चाहिए। वन सेकंड सर, प्लीज होल्ड द लाइन सर। 9884647456। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस को है, लेकिन उसे पकड़ना नामुमकिन है। नंबर है सर। तूने ये सब प्लान कब किया यार? ए, चेक करो इसे। ए, तुम लोग बाहर चेक करो। हाँ भाई। ए, ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं। हनुमंत, लाइट ऑफ करके पीछे। ठीक है। यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, आ जा। भाई, हर जगह चेक कर लिया हम लोगों ने, कहीं कोई नहीं है। इसे जाने दो। चलता हूँ सर। इस चिंपैंजी की वजह से मुझे थप्पड़ खाना पड़ा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं। भाई वो चश्मा यहीं भूल गया। ए, बुलाओ। ए, शिट। भाई इसे क्या इतने ध्यान से देख रहे हो? ऐसे चश्मे तो मार्केट में 100 रुपए में मिलते हैं। आप भी ना। ये पावर ग्लास नहीं है, स्पाई कैम है। लिंकू, कैमरा वहीं छोड़ दिया। ए, पकड़ो उसे। ए, वो जाने ना पाए। ए, ए, रुक। ए, लिंकू, भाग वहां से। ए, हनुमंत, हा? गाड़ी स्टार्ट कर। चल। ए, लिंकू, जल्दी आ। कैमरा तो लेकर आया ना। गो टू द ब्रेकिंग न्यूज़। ओके गाइस, प्लीज मेक इट फास्ट। जिसका एजुकेशन नहीं है उसे फेक सर्टिफिकेट देकर एक दिन में डॉक्टर या इंजीनियर बना सकते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। और वो सारे फेक सर्टिफिकेट्स बनाने वाली गैंग की डिटेल्स भी हमारे हाथ लगी। इस गैंग के फेक सर्टिफिकेट्स की वजह से कई स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद हो चुकी है, कई स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं। No! Oh no! What's happening? हे हनुमान, चैनल के बैक साइड में ले ले जल्दी। ये सब क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी नहीं समझ रहा। एक काम करते हैं, हम लोग खुद वहां चलते हैं। चलो।
अगर पब्लिसिटी चाहिए थी तो फिर कॉमेडी शो या फिर कोई रियलिटी शो करना चाहिए था ना तुम्हें। तू इस सरकार से टकराएगा तो जिंदा कैसे बच पाएगा? ए, अगर मैं अपने पे आ जाऊं ना तो कोई भगवान भी आकर कहेंगे तब भी मैं अपना कदम आगे बढ़ा कर रहूंगा। तुझ जैसे शैतानों को बर्बाद करने वाली आंधी हूँ मैं। मेरे साम्राज्य के अंदर आने की जो सोच रहा है ना, उसकी कोई एंट्रेंस नहीं है, एनकाउंटर करके एग्जिट है सीधे। जब पेन उठाता हूँ तो राइटर हूँ और जब दिमाग सटकता है तो फाइटर हूँ। डिटेक्ट नहीं हो रहा है, जल्दी आ। हट जा। हट जा।